इस साइड इंडिया, इस साइड भूटान। आज हम देखेंगे कि यहाँ पर इंडियंस कैसे रहते हैं भूटान बॉर्डर के पास में। भूटान का ट्रक है, ऐसी नंबर प्लेट है सेम टू सेम जैसी नेपाल के अंदर रहती है वैसी। यहाँ पर मेन जो है रोड खत्म होते हुए, क्या मस्त खूबसूरत लग रहा है। हम लोग भाई पैसा बचाने के लिए पैदल जा रहे हैं। मुर्गा मेरे मोबाइल में नहीं आ रहा है। दीवार सी दिख रही है आपको, इसके बीच में दीवार दीवार दिख रही है। इसके उस साइड आई थिंक भूटान है, भूटान का ऑफिशियल एंट्री गेट। ये भूटान की साइड की दीवार है। वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक बार न्यू ब्लॉग के अंदर। सो फिलहाल आज हमें भाई भूटान बॉर्डर के पास में इंडिया का वेस्ट बंगाल का जो लास्ट गांव है भूटान के पास, जय गांव। आज हम देखेंगे कि यहां पर इंडियंस कैसे रहते हैं भूटान बॉर्डर के पास में। फिलहाल अभी हम लोग ये ऑटो लेके जा रहे हैं और ज़्यादातर यहाँ पर जो काम करते हैं वो ज़्यादातर अपने यूपी बिहार से है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोग जा रहे हैं जय गांव का व्यू पॉइंट देखने के लिए। वहाँ से जयगांव सिटी है पूरी दिखती है, भूटान भी दिखेगा, सारा एरिया दिखेगा, वो दिखाएंगे। बट उससे पहले आप लोग थोड़ा सा यहाँ का लुक देख लो कि कैसा है जयगांव। और जयगांव का ये है भाई बिल्कुल बॉर्डर के आसपास का एरिया। थोड़ी रोड की कंडीशन भाई खराब है, बट क्या करे यार। ऑटो से उतरने के बाद ऐसी कुछ गली है, वैसे ऊपर तक जाने का ये मांग रहा था 100 रुपए। भूटान के भी नोट चलते हैं इधर और यहाँ पर चलते हैं अपने इंडिया के भी, दोनों में से कोई भी दे दो। अभी यहाँ से देखते हैं कितना और ऊपर हमको चढ़ के जाना है व्यू पॉइंट देखने के लिए। ऐसी कुछ गलियां हैं यहाँ पर। ओ गाड़ियों का वर्कशॉप वगैरह है, मेरे को लग रहा गलत ही नहीं छोड़ दिया ऑटो वाले ने। भाई बॉर्डर के पास के एरिया देखो यार, कैसे इंडियंस यहाँ पर रहते हैं, ऐसे यहाँ पर घर हैं। और ज़्यादातर आपको यहाँ पर इंडिया के झंडों के अलावा, मतलब झंडे तो कम मिलेंगे यहाँ पर, जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके झंडे ज़्यादा मिलेंगे। टीएमसी हो गई जो कि अभी रूल कर रही है करंट में वेस्ट बंगाल में, और बीजेपी के झंडे हर जगह मिलेंगे भाई। और ऊपर जाना उस वाले पहाड़ पर बिल्कुल टॉप पे। सो भाई यहाँ पर मेन जो है रोड ख़त्म होते हुए और ऐसी कुछ ट्रैक आ गया बीच में, ट्रेल सी कच्ची सी, पगडंडी पर चढ़ना पड़ रहा है। और ऊपर से भाई मेरे पास है ये कितने किलो का, 5 से 7 किलो 10 किलो का बैग भाई उठा के लेके जाना पड़ रहा है। और ऊपर ये है तो एक इधर से, यहाँ से ऑटो ऑटो के लिए होगा ये वाला सिस्टम, बट हम लोग भाई पैसा बचाने के लिए पैदल जा रहे हैं। व्यू चेक करो यहाँ से कैसा आ रहा है, अभी इसी से ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर से भाई पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं आपको जयगांव सिटी का, और उसके बाद दिखाते हैं यहाँ की जो मार्केट्स है। नीचे आने के बाद मार्केट एरिया दिखाएंगे, खाना पीना दिखाएंगे, कैसे इंडियन यहाँ पर अपनी लाइफ बिता रहे हैं वो तो आप लोग मेरे सामने देख ही रहे हो। बिल्कुल खुशहाल हैं, घर वगैरह सब कुछ मस्त मस्त बने हुए हैं इधर। अभी हल्का सा ऊपर चढ़े होंगे और ये सिटी का व्यू चेक करो यार, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। सारे के सारे इधर माउंटेन, मतलब हिल टाइप की है, सारी हिमालयन रेंजेस के बीचों बीच एक गाँव इंडिया के अंदर बसा हुआ है जिसको कि जयगांव बोलते हैं। काफ़ी बड़ा टाउन है ये, छोटा मोटा नहीं है। और ये आप लोग देखोगे जो पहाड़ के ऊपर बनी हुई है बिल्डिंग सी, वो है उसके अंदर ये वाली, सॉरी ये भूटान के अंदर है। वही क्या मस्त दिख रहा है यहाँ से व्यू, पूरा का पूरा एक नंबर है। हाँ वो ऊपर वाला तो भूटान है ना, ये नीचे का तो सारा अपना जयगांव है। और इंडिया का झंडा देखने को मिला यार, वो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के झंडे ज़्यादा हैं, इंडिया के झंडे बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पहाड़ों के बीचों बीच घर कितने खूबसूरत बने हुए हैं, और ज़्यादातर घरों में टीन टीन वगैरह डली हुई है, और काफ़ी मस्त व्यू है यार। ये जो ट्रैक है, जो ट्रेल आ रही है भाई, इस पर ऑटो वगैरह भी जाते हैं बट वो 100 रुपये मांग रहे हैं, तो हम लोग अवॉइड कर रहे हैं 100 रुपये देने का, पैदल चले जाएंगे 1 किलोमीटर तो ऊपर जाना है। ये देखो पहाड़ों में भाई जैसे घर रहते हैं वैसे ही भूटान बॉर्डर के पास में है, सारा का सारा हिमालयन रेंजेस यहाँ से शुरू हो जाती हैं। और ये भी किसी का घर है शायद, क्या मस्त खूबसूरत लग रहा है। ये अजान की आवाज़ आ रही होगी, ये भी इंडिया में कहीं हो रही है। तो इंडिया के अंदर भाई सारे धर्म हैं, तो सारे मंदिर की मस्जिद की सब आवाज़ आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगी। ऐसे कुछ घर रहते हैं इधर के। ओ भाई अभी तो बिल्कुल टॉप पे शिखर पे जाना है यहाँ पर। मुर्गे, मुर्गा मेरे मोबाइल में नहीं आया है हमला करने। ये का पानी पीने वाला है कि नाली का, कुछ नहीं पता। इसी पहाड़ों के अंदर आपको छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी बिल्कुल पहाड़ी पर बनी हुई,
और इधर क्या देखने को मिलता है, यहाँ से लैंडस्लाइड ऊपर से होके इधर की साइड देखो कैसे जमावड़ा लगा हुआ है, और नीचे व्यू वो कोई नदी है जो कि भूटान से आ रही है अपनी इंडिया साइड में। भाई कितना मस्त व्यू है यार, बहुत सुंदर सुंदर एरिया में से हम लोग अभी गुजर रहे हैं। जैसा मैं श्रीलंका में पहले गया था ना, तो श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में ऐसा था कि यहाँ से ना ऐसे जैसे ये है, इनमें चढ़ने की जगह बनाई रखी होती थी, उन्होंने सीढ़ियों से चढ़ते थे, जैसे साइड वाला तो रोड होता ही था, साइड से उन्होंने सीढ़ियाँ भी थी कि ऊपर चढ़ने में थोड़ी आसानी हो। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो भाई रोड रोड से चढ़ के जाना पड़ेगा, और स्वर्ग है भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर एरिया यार। इंडिया अपना बहुत सुंदर है, उत्तराखंड वगैरह हो गया सेम टू सेम, उत्तराखंड में आपको टूरिस्ट मिलेंगे देखने को ज़्यादा, यहाँ टूरिस्ट नहीं है, यहाँ पर देखो कितना शांत है। इंडिया में अगर रहते हो और आप लोगों को उत्तराखंड जैसी हिमाचल जैसी अच्छी जगह देखनी है, बट आपको वहाँ पर भीड़ भड़क्के से दिक्कत आती है, टूरिस्ट ज़्यादा आ जाते हैं, तो आप लोग ऐसी जगह पर भी आ सकते हो, काफ़ी सुंदर है, भूटान के पास में वेस्ट बंगाल में पड़ता है, सिक्किम भी नहीं है, वेस्ट बंगाल है। ये देखो पानी के साथ क्या हुआ है, इतना ज़्यादा धार आई है कि पूरा का पूरा नीचे बह गया। भाई फाइनली जयगांव के व्यू पॉइंट के टॉप पे पहुंच गए हैं, और सामने देखोगे इधर की साइड तो यो ये दीवार सी दिख रही है आपको, ये बीच में ये दीवार दिख रही है, इसके उस साइड आई थिंक भूटान है, और ऊपर भी भूटान का कोई ये घर बना हुआ है इधर किसी का, और इधर कोई रिजॉर्ट टाइप का ऊपर से व्यू कुछ ऐसा आता है, और इतनी तेज़ धूप और व्यू इतना अच्छा आ रहा है, ये देखो आई लव जयगांव, मस्त बना हुआ है, यहाँ पर टूरिस्टिक प्लेस बहुत सुंदर है। और इधर भाई गर्मी और ये जो धूप निकल गई ना, अब आपको क्वालिटी में अंतर दिख रहा होगा, आईफोन की क्वालिटी कैसी है, अभी मैं थोड़ा सा नीचे जाके आपको सिटी का व्यू दिखाता हूँ। और ये मंत्र लगे हुए हैं जो कि बुद्धिस्ट धर्म के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी ये है इधर बुद्धा जी की एक प्रतिमा लगी हुई है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे बुद्धा जी की प्रतिमा है, उसके साथ साथ ऊपर कुछ ऐसे दुकानें वगैरह हैं, यहाँ से व्यू, और सामने देखोगे तो रिवर है, और सिटी का व्यू चेक करो कितना खूबसूरत आ रहा है। और ये वाली जो पहाड़ी है ये भी भूटान के अंदर है, जो उधर घर बने हुए हैं ना, ये वाले घर बने हुए हैं। चलो अभी एक बंदे से मिलाते हैं जो कि मेरे साथ ही है, ट्रैवल कर रहा है, वो अभी न्यू है तो उसको सपोर्ट करना थोड़ा बहुत, और उसका नाम है मिराज अंसारी साहब, यूपी से हैं। सर आपका चैनल का नाम बताइए क्या है? नोमैड मिराज। छाता लेके क्यों बैठे हुए हैं भाई? बहुत गर्मी पड़ी है भाई, नीचे के साइड तो मेरे को क्यों नहीं गर्मी लग रही, मैं तो काले कपड़े पहन गया हूँ, पता नहीं भाई हमको तो भाई धूप बहुत ज्यादा। चलो भाई ये इसको भी इधर हमारे भी चैनल पे आओ, कमेंट मेरा मेरा चैनल का नाम है। अच्छा और कुछ बताना चाहेंगे भाई साहब? के वीडियो पर लिंक है भाई, वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कर लेना सब्सक्राइब, यूपी से हैं भाई साहब। भाई अभी तो बहुत मस्त वीडियो देखने को मिलेगा आपको, नॉर्थ ईस्ट साइड का, वो कहां अभी नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का इसका भी वीडियो देखने को मिलेगा, जो जो यूपी से या इसकी वीडियो देखना चाहे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी इसको अभी मैं इधर बिठाल के जा रहा हूँ थोड़ा सा भूटान की साइड घूमने के लिए, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं इसके बाद नीचे चल के, और इधर का नाइट व्यू भी हो सकेगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, मस्त आ रहा है यहाँ से व्यू। और अभी जो है धूप बड़ी तीखी धूप निकल रही है, पसीने से लतपत हो गए हैं सारा, उधर पीछे भूटान का एरिया वो जो उधर दिख रहा है, वो जो पहाड़ है वो भी भूटान का, इस साइड इंडिया का पूरा एरिया, ये पूरा इंडिया का है, नीचे जो टाउन दिख रहा है ये भी इंडिया का जयगांव टाउन पड़ता है। भाई यहाँ पर एकदम से इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद बुरी हालत हो रही है यार, बहुत गर्मी हो गई, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी भूटनीस गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी, अगर मिलती है तो मैं दिखाता हूँ, जिनकी नंबर प्लेट लाल कलर के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और ये आपको ऐसे ही टेम्पू मिलेंगे, और कुछ इधर की साइड भाई कोई रिवर है कोई जो कि आ रही है साइड से, ये देखो बिल्कुल बॉर्डर है, मालूम है ये जो पानी आ रहा है ये नाले आले का पता नहीं किसका है, ये अपना पानी आ रहा है भूटान साइड से, ये शायद से बाढ़ वगैरह आ गई है उधर की साइड, तो ज़्यादा ओवरफ्लो है जो कि इधर की साइड आ रहा है।
अभी हम लोग थे व्यू पॉइंट, ऊपर देख रहे थे व्यू पॉइंट, अभी नीचे आ गए हैं। ट्रक की नंबर प्लेट देखोगे रेड कलर की है, भूटान का ट्रक है। ऐसी नंबर प्लेट है सेम टू सेम जैसी नेपाल के अंदर रहती है, वैसी इसके अंदर भूटान में चलती है, रेड कलर की नंबर प्लेट। और यहाँ पर पंजाबी दुकान, ये बसें वगैरह चलती है यहाँ पर, जाएगा आप लोग बड़ी इजीली आ सकते हो। ये भी भूटान की बस है, इस पर भी रेड कलर की नंबर प्लेट है, बीपी नंबर प्लेट डला हुआ है इसका भी। और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बंदे हैं जो इंडियन, बढ़िया अपना गुजारा चला रहे हैं, बढ़िया जगह भी बहुत अच्छी है यार, बस रोड की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है इस साइड में। और जो होटल है आपको भूटान बॉर्डर के पास में काफ़ी सस्ते सस्ते मिल जाएंगे, 400-500 रुपये के आसपास नॉर्मल रूम मिल जाएगा दो जानों के लिए, 1000 रुपये तक एसी वाला रूम मिल जाएगा। और यहाँ पर खाना पीना भी सस्ता है, अगर आप लोग रोड साइड से खाते हो तो आपका 50-100 रुपये का कंप्लीट एक दिन एक टाइम का हो जाएगा। चाय 10-10 रुपये की सब जगह मिलती है। और अगर आप लोग रेस्टोरेंट में खाते हो, सब बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर, मैकडी तो नहीं देखा बट हाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर, और बड़े बड़े जो भी नॉर्मल जो आउटलेट्स रहते हैं वो सब कुछ है यहाँ पर। तो आप लोग वहाँ पर ईजिली 100, 200, 300, 500 रुपये तक का एक टाइम का खाना खा सकते हो। होटल वगैरह काफ़ी है इधर, होटल वोटल की कोई दिक्कत नहीं है, रहने आने का सब हो जाएगा। यहाँ पर बकरियाँ बहुत हैं बॉर्डर के पास में। भाई ये है भूटान का ऑफिशियल एंट्री गेट, इससे जितनी भी ये व्हीकल्स वगैरह जाती हैं, अगर बाइक पे आते हो या कार पे आते हो तो। ये भूटान की साइड की दीवार है, 3 नंबर गेट से इसमें एंट्री होगी, इस साइड इंडिया, इस साइड भूटान, ये इंडियन साइड है। अभी हम लोग एंटर करते हैं भूटान में, बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर आपको लगते हैं। और भाई नेपाल की तरह इंडिया में भी, इंडिया के जय गांव में आप लोग भूटान के नोट हैं वो चला सकते हो वेरी इजिली। और मैंने यहाँ पर सिर्फ भूटान के नोट ही मिल रहे हैं भाई, देते इंडिया के रुपए हैं मिलते भूटान के हैं, एक भूटानी रुपीज एक इंडियन रुपीज के इक्वल है। और ये बेल्ट लिए 120 रुपए की, क्योंकि मैं भूल गया घर पे। और रात को 9 बजे पूरी मार्केट है जो जय गांव की बंद हो जाती है, मतलब पूरी बंद हो ही गई है समझ लो, क्या पता रूल रेगुलेशन है कुछ। हमारे होटल वाले ने भी बोलिए कि भाई जल्दी आया ना, ऐसा कुछ अभी पीछे सीन है भाई।